हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आपका और एक न्यू इंटरेस्टेड वीडियो में, क्योंकि गाइस आज हम अपनी सारी की सारी फरारी कार सेल करने वाले। क्योंकि गाइस ये कार काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है और ये कार हमेशा मुझे इजीली कार मार्केट में मिल जाती थी, और अभी फिलहाल मेरे पास डॉलर भी काफ़ी ज़्यादा कम है और मुझे आरए बैंक का लोन भी चुकता करना है, जो कि मैंने कार स्टो वगैरह करने में उनसे काफ़ी ज़्यादा डॉलर ले रखे थे। उसकी वजह से अब मैं कोई भी मार्केट ओपन नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे अब कोई ना कोई कार सेल करनी होगी और जो बिल है वो मुझे पे करना होगा। चलो देखते हैं, फिर अपनी कार को मैंने सेल पर लगा दिया, जितने भी कार है उन कार को सेल करूंगा। और गाइज इस वीडियो में आज हम कोई या तो रियर कार ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर इन कार को बेच के अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करें कि हमें बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डॉलर कमाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सारे के सारे डॉलर आज हम कमाएंगे इस वीडियो में। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक वॉच करना, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ें होगी। और वैसे गाइज अभी दो दिन बीत चुके हैं, हमें फिर भी कार सेलर डीलरशिप सिमुलेटर का अपडेट नहीं मिला। वैसे अगर आप लोगों को अपडेट मिला है तो कमेंट करके बताना, फिलहाल मैं प्ले स्टोर पर चेक कर रहा हूँ बट अभी भी फिलहाल मुझे अपडेट नहीं मिला है। चलो तो गाइज बढ़ते वीडियोज की तरफ। तो गाइज फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हमने कोई भी कार बाय करके नहीं की, उन कार को कम से कम 1 लाख या फिर 15,000 इतना प्रॉफिट हमेशा होना ही चाहिए। अगर मैंने इन कार के ऊपर खर्चा भी बहुत किया है तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिले। तो चलो तो गाइज देखते भी क्या होता है। तो चलो तो गाइज पहले ये वाला बिल चुका देता हूँ, बिल्स में आके इनको मुझे पैसा पे करना होगा, वो सारा का सारा मैं पैसा इनको पे कर देता हूँ और देखते हैं गाइस क्या होता है। तो अभी बहुत सारे कस्टमर लोग आ चुके हैं, उनको मैं मेरी कार सेल करने वाला हूँ। मैंने बहुत अच्छा कॉम्बो बनाया था, जो कि अच्छी अच्छी फरारी बाय करके बहुत अच्छे से सेट किया था, और मेरे जो पूरे डॉलर थे ना वो इन्वेस्ट करके पूरे वेस्ट कर दिए, समझो वेस्ट कर दिए। और अब बारी है कि इनसे इन डॉलर का मतलब ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश मैं करूँगा। तो देखते हैं, कम से कम 20 लाख होना चाहिए चार फरारी का। अगर एक फरारी में 5 लाख में बेचता हूँ तो फिर भी चलेगा। चलो देखते हैं ये कितने में दे रही है। ओके, मैं 4,24,000, इतने कम तो मैं नहीं दूंगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा डॉलर चाहिए। ओके, 5 लाख ऑफर करके देखता हूँ, क्योंकि एक फरारी में कम से कम 1.5 लाख का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। ओके चलो, ओके 4,75,000 दे देता हूँ। चलो देखते गाइज। ओके ये कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके इसने बाइक कर लिया, और उसके साथ साथ गाइज आप फिलहाल देख सकते हो मेरे पास हो चुके हैं 9,47,000, काफ़ी ज़्यादा डॉलर है। और इस एम्प्लॉय को हायर करके रखा था, तो ये कार वगैरह क्लीन कर देता है, उसके साथ साथ ऑफिस भी क्लीन कर देता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर देता है। अगर किसी अच्छे इंसान को रोज़गार दे तो वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ठीक ठाक तरीके से कर देता है। तो मैंने इसको ये रास्ते पर भीख मांग रहा था वहाँ से उठा के लाया है और इसको काम दिया है, तो ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। बाकी कार वॉश वगैरह सारी की सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से देख सकते हो। आ गया, चलो इस कार को भी मैं सेल पर लगा देता हूँ, मुझे कोई एक ही कार रखनी होगी फिलहाल। तो गाइज हमारे पास एक और कार है जो कि है ऑडी R8। ये काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है और उसके लिए भी कस्टमर लोग आ चुके हैं, तो देखते हैं कि ये कितने में ले रहा है। कम से कम गाइज ये कार 8,50,000 में जाने चाहिए अगर मेरे हिसाब से। मैंने इसको कम से कम 9 लाख के ऊपर सेल पर लगाया। ओके 8,50,000 इसको ऑफर करके देखता हूँ, ये 7,24,000 पे अटका हुआ है। देखते ही अगर ले लेते तो बहुत अच्छा होगा गाइज, मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा और उसी के साथ साथ डॉलर कैसे कमाते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। हाउ टू अर्न 1 मिनट 1.5 लाख डॉलर या फिर 2 लाख डॉलर, ये सारी चीज़ें आप मेरी वीडियोस देखकर कर सकते हो। बाकी देखते हैं गाइज, हमने फाइनली उसको कार बेच दिए और इस कार को भी मुझे सेल पर लगाना होगा। ये कौन सी अपनी तसला। ओके चलो इस कार को भी सेल पर लगा देता हूँ और देखते हैं गाइज कितने डॉलर हमारे पास इकट्ठा हो जाए। अभी आप देख सकते हो मेरे पास डॉलर चुके 17 लाख, काफ़ी ज़्यादा डॉलर है। और इन डॉलर को कलेक्ट करने के लिए पहले तो मेरे पास 16 लाख हुआ करते थे, बट गाइज उसके बाद में मैंने 3 से 4 फरारी बाय करी, उन कार को बेच के इतने ज़्यादा डॉलर कमा लिए। और ये फरारी रहने देंगे अपन, अभी फिलहाल एक फरारी रहने देते, बाकी बेच देता हूँ मैं। चलो देखते हैं, ये तो आ चुकी है, ये कार ज़्यादा महंगी नहीं है, 47,000 है, मैंने ज़्यादा नहीं 50,000 पे सेल पर लगाया है। चलो दे देता हूँ इसको ऑफर करके देखता हूँ, कम से कम 65,000, चलो 65,000 ऑफर करके देखते हैं गाइज। ओ आई नीड थिंक बट कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके उसी के साथ साथ गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे पास हो चुकी है 17,92,096, काफ़ी ज़्यादा डॉलर हमने कमा लिए, वो भी एक वक्त के अंदर, मतलब 1 मिनट के अंदर, ज़्यादा देर नहीं लगी है। और मेरे पास कार ऑलरेडी थी तो हमने बहुत ही जल्द कमा लिए।
हे तो गाइज, हम आ चुके हैं कंटेनर में। उन कंटेनर में आने के बाद हम कोई ना कोई अच्छी सी कार अभी ऑक्शन से बाय करेंगे। इसके लिए मुझे अभी सोना होगा और देख सकते हो आप मेरा सिंगल डे का इनकम जो है ना 17 लाख, काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैंने बहुत ही जल्द अर्न कर लिया 4 मिनट के अंदर अंदर। और मैंने पहले कार बाय करके रखी थी तो मेरे पास इतने डॉलर नहीं थे, कम से कम 1 मिलियन डॉलर हो गए, मतलब 10 लाख डॉलर हो गए। ये काफ़ी ज़्यादा कम थे बट ठीक ठाक थे और बहुत सही थे। तो गाइज, ये जो मेरी फरारी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी तो मैं अभी इसको वहाँ पर रख तो दिया हूँ। चलो तो पहले जाते हैं, उस कार को रिपेयर भी करेंगे, ऑफिस जाना होगा। ये डायरेक्टली स्टो हो गई यार, कैसे पता नहीं बट हो गई। चलो इस कार को अभी मैं डैमेज रिपेयर कर लेता हूँ। बहुत सारी सही सही चीज़ें हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। वैसे अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल नोटिफिकेशन गाइस उसको ऑल पर सेट कर देना। जैसे ही मैं कोई भी अपडेट रिलेटेड या फिर कैसी भी वीडियो डालूँ आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप गेम खेलते हो तो आपको सारे के सारे ग्लिचेस या फिर हर चीज़, हर ट्रिक, सारी की सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू देखने को मिलेंगी। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से 100% बेस्ट देने की, तो मैं बेस्ट ही दूंगा। चलो अभी हमारी कार रिपेयर हो रही है और उसके बाद गाइस इस कार को कलर भी करेंगे। बाकी स्काई ब्लू में ठीक है बट इतना भी ठीक नहीं है जितना मुझे लगना चाहिए। बाकी ग्रीन लग रहा है ये बट ठीक ठाक है, थोड़ा सा ग्रे कलर है और बाकी सही लग रही है। फरारी कार बहुत अच्छी है बट गाइज उसके बावजूद ये कार जो है ना मार्केट में मिल जाती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अबे यार अभी रिपेयर किया और ये डैमेज होगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं जा सकता, मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। देखते हैं कब यहाँ से निकल जाऊँगा गाइज मैं बहुत ही ईजिली। और ये जो अपडेट आया ना गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपडेट था, उसमें इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दी बट सारी की सारी चीज़ें वही है। जो ग्रोथ होनी चाहिए थी ना गाइज, वो ग्रोथ कलर पेंट में या फिर अल्टीमेट और ज़्यादा कलर ऐड करने चाहिए थे या फिर रिपेयर सेंटर से कोई अपन मॉडिफाई कर सकते थे कार, मतलब पार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी बट अभी फिलहाल ये चीज़ें नहीं होती है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो रेड कलर में हमारी फरारी काफ़ी ज़्यादा चमक रही है। बट गाइज अगर यही कार अगर हमें हमेशा ऑक्शन में मिलती तो क्या बेस्ट रहता यार, बट अभी हम कुछ कर नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हमारे साथ होती है और हमेशा इस गेम में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। पोर्चे भी कार मार्केट में मिल जा रही है, मुस्टैंग GT भी कार मार्केट में मिल जा रही है, लैम्बोर्गिनी कार मार्केट में मिल जा रही है, बस निसान GTR, डोज वाइपर, मज़्दा RX-8 ये सारी कार्स वहाँ पे नहीं मिलती है। इस वजह से मतलब गेम टिका हुआ है बट गाइज वो कार हमें अभी तक नहीं मिली। बहुत सारे बंदों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई कम से कम तेरे 100 डेज या फिर 115 डेज, ये सारे डेज तेरे होने चाहिए तब तेरे को इजीली कार मिल जाएंगी। बट गाइज ये सारी दिमाग में बातें लेके मैंने आज सोचा क्यों ना गाइज मैं आज 100 डे ओपन करूँगा, वो भी फेर तरीके से आप लोगों के सामने। क्या मतलब हमें कोई अच्छी सी सुपर कार ढूंढनी है, कैन आई फाइंड अ न्यू सुपर कार या फिर कोई अच्छी सी कार, वो सारी की सारी सुपर कार ढूंढने के लिए आज हम ऑक्शन में आए, क्योंकि ऑक्शन एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ पर अच्छी से अच्छी कार आपको इजीली मिल सकती है। और मैंने बहुत बार ट्राई करके भी मुझे अच्छी अच्छी कार मिली है। मैंने जैसे यहाँ से पोर्चे कलेक्ट की थी या फिर मुस्टैंग GT, ये सारी कार यहाँ से कलेक्ट की, जो कि फर्स्टली जैसे ऑक्शन ओपन किया वैसे ही मुझे ये कार मिली। बट गाइज उसके बाद में जब मैंने कार मार्केट जाके देखा तो मेरा दिल ही टूट गया, बट अभी दिल तो जुड़ेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं गाइज कोई ना कोई मुझे अच्छी सी, अबे यार गाइज कोई अच्छी सी कार लेता हूँ तो ये कार आ जाती है। कोई बात नहीं गाइज, हम हमेशा लास्ट तक ऑक्शन अटेंड करेंगे, देखते कोई ना कोई अच्छी सी सुपर कार मुझे ज़रूर मिलेंगी और उस सुपर कार का हम वेट कर रहे हैं। और आखिरकार कब तक मिलेगी ये पता नहीं और मैं भी बता नहीं सकता हूँ, बट गाइज हम इजी टू इजी कोशिश करते रहेंगे और हर बार 100% देंगे और कोई ना कोई अच्छी सी कार बाय करेंगे। जैसे ही हमें कोई ना कोई अच्छी सी कार मिलती है तो हम आप लोगों को बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। चलो तो गाइज काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं बीट पे बीट लगाते जा रहा हूँ बट मुझे ये कार नहीं चाहिए और मैं इसके लिए डॉलर थोड़े भी खर्चे नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर डॉलर नहीं लगाऊंगा। बाकी जो पहले आई थी वो ऑडी आर थी शायद से या फिर तस्ला, बाकी सिमिलर कार है बट तस्ला बहुत सही कार है जो कि वॉइस नहीं करती है। अब यार गाइज देख सकते हो अब भी मैंने एक फरारी बाय करी थी और ये ऑप्शन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन मुझे स्किप करना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घटिया तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। बट गाइज इस वीडियो में आखिरकार हम कोई सुपर कार अच्छी सी बाय भले ही ना कर पाए बट गाइज एक बात जरूर होगी कि आप इजीली डॉलर कैसे कमा सकते हो। हाउ टू अर्न अनलिमिटेड डॉलर तो नहीं बट 10 लाख या फिर 20 लाख, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर आप 1 आवर या फिर 10 मिनट या फिर 20 मिनट के अंदर अंदर इजीली कमा सकते हो, जैसे मैंने कमा लिए। अभी मैं समझ रहा हूँ कि मैं ज़्यादा तो कार बाय कर नहीं पा रहा हूँ बट मैं डॉलर कैसे कमाऊँ, आखिरकार मैं ये फरारी भी बाय कर लूँ ना गाइज तो मैं इसमें मतलब 2 लाख का। अभी भाई साहब कौन सी सुपरा, ओ भाई साहब सुपरा तो मेरे पास है और ऑलरेडी कार मार्केट में बहुत ज़्यादा कार मिलती है तो उसकी वजह से मुझे नहीं चाहिए। देखते गाइज ये ऑक्शन भी हम स्किप मारते ओपन ओके। तो गाइज हम वापस से एक बार आ चुके ऑक्शन में और इस बार ऑक्शन अटेंड करते ही मुझे फर्स्ट में मिली
परारी। और ये परारी मुझे बहुत बार मिल रही है। आखिरकार ये कार जब कार मार्केट में इतनी इजीली तरीके से मिल जाती है, तो आखिरकार इस कार को रियर दर्जा दे के यहाँ पर क्यों ऑक्शन में दिया जा रहा है? आखिरकार मैं तो बता नहीं सकता, बहुत सारे बंदे लोग कमेंट करते हैं कि भाई तेरे डेज कम से कम 200 होने चाहिए। भाई 200 डेज तो मैं 1 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ ऐसे ही एक जगह पर सो के, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं 200 डेज कंप्लीट करने के बाद भी अगर मैं सुपर कार के लिए रोया करूँगा तो क्या ही फर्क रह जाएगा मुझ में और वो ओल्ड क्रिएटर में, जो कि मतलब 200 डेज इजी टू इजी कंप्लीट नहीं कर रहे, बड़ी मुश्किल से खेल रहे, हर ऑक्शन ओपन कर रहे, वो सारे आज हम करेंगे। और अभी भी मेरे कुछ 70 या 75 डेज हुए और देखते हैं गाइस इन दिनों भी मुझे अगर कोई अच्छी सी कार मिलती है तो, और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन ओपन करूँगा उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉलर होगी, क्योंकि अगर मैं फेयर तरीके से जा रहा हूँ तो कम से कम 40-50 लाख डॉलर तो मैं ईजिली कमा लूँगा बाकी परारी जैसी कार बाय करके, और इन डॉलरों को हम बाद में इन्वेस्ट करेंगे अच्छी अच्छी सुपर कार में। वैसे गाइस न्यू अपडेट फिलहाल तो मुझे शो नहीं हुआ है, बाकी बहुत सारे बंदों को अभी न्यू अपडेट आया नहीं, बहुत सारे बंदे लोग कमेंट करते हैं कि भाई न्यू अपडेट मुझे नहीं मिला ये वो, मैंने अपडेट रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, बाकी फिलहाल वो वीडियोस कुछ ऐसी नहीं थी जो कि अपडेट में अपकमिंग चीजें आने वाली थी, जैसे कि कार जो अपना ऑफिस होता है ना वो डेकोर कर सकते थे, बट वो सारी चीजें अभी फिलहाल नहीं आई है। बट हमने वो सारे बनाए थे पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चलो देख सकते हो ये वाला ऑक्शन भी हमारा स्किप मारना पड़ेगा, यहाँ पर भी गाइस हमें कोई अच्छी सी कार नहीं मिली, हर बार हम ऑक्शन से मतलब खाली हाथ जा रहे, बट कोई ना कोई ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जहाँ पर हम कोई ना कोई अच्छी सी कार बाय करेंगे। और गाइस एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे ही आप लोग देख रहे हो भाई इसको कोई कार नहीं मिल रही, बट आप ऊपर मेरे डॉलर भी देख सकते हो, जहाँ पर मैं कोई अच्छी सी कार अगर बाय भी कर लेता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरे नज़र से अगर देखो तो मैं डॉलर कमाने की कोशिश करता हूँ, डॉलर जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो आज हम उसी के ऊपर बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। है तो गाइज अभी आप देख सकते हो ऑक्शन ओपन है और ऑक्शन बहुत ही जल्द मतलब 1 बजे ओपन होने वाला है, अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त बचा हुआ है, तो ये सारा वक्त मुझे अभी कहाँ पर बिताए पता नहीं। बाकी नाइबरहुड भी मैं जा सकता हूँ, बट इतना देर तो किसके पास है भाई, अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं। उसके बाद में जैसे ही ऑक्शन ओपन होता है गाइस, ऑक्शन में मुझे लग रहा है इस बार पक्का लग रहा है कि कोई ना कोई रियर कार मुझे ज़रूर मिलेंगी, और रियर कार ना भी मिले तो क्या भाई, मैं अच्छे तरीके से डॉलर कमाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा डॉलर कमाने की कोशिश करूँगा। पहले ही यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर आने के बाद सेट कर देना है अपनी कार और इस भाई साहब से एक टिकट बाय कर लेना है। और अपडेट यार भाई मुझे अपडेट चाहिए यार गाइस, अपडेट जैसे ही आता है तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा यार, सच बोल रहा हूँ यार मैं। अभी ऑक्शन ओपन होने ही वाला है गाइस, देखते हैं क्या होता है, तो लेट्स गो, थोड़ी सी देर बची हुई है, देखते हैं क्या होता है। तो ये लोग तो बहुत आसानी से बैठे हुए हैं, जो कार आई वो कार बाय करके चले जाते हैं, इन लोगों का क्या है, बट हमें चाहिए ना सुपर कार, रियर कार, आई फाउंड रियर कार। ओके 6 सेकंड बाकी, अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद गाइस ये आई हमें BMW की, वही है BMW Series 1। ये वाली कार मुझे नहीं चाहिए थी, बट ये वाली कार मुझे क्यों मिल रही है? आखिरकार सस्ती सस्ती कार्स बाय करके भी मैं क्या ही कर लूँगा यार। इन कार को ऐसा लगा दूँ थंबनेल के ऊपर कि भाई आई बाउट BMW Series 1, क्या खतरनाक रहेगा। अबे भाई मुझे चाहिए निसान GTR जैसे ही मिलते बहुत ज़्यादा खुशी होगी हमें, बट फिलहाल कुछ वैसी चीज़ें हमारे साथ हो नहीं रही है, हम ऑक्शन ओपन किए जा रहे हैं। अब गाइज हम कोई जो बोला था ना मैंने कार सेलर बिजनेस सिमुलेटर के ऊपर Season 2 लाएंगे, वो जो Season 2 का हमारा फर्स्ट वीडियो था ना वो इतनी गंदी तरीके से बेटा 100 व्यूज़ तक क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब वो गेम के सारे व्यूज़ इस गेम ने खा लिए। तो हम अभी फिलहाल इसी गेम के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और जल्द से जल्द कोई ना कोई सुपर कार बाय करेंगे। और वैसे सोच रहा हूँ कि कोई ट्रिक होगी यार, बहुत सारे मीथ भी बना सकता हूँ मैं, बट आप लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद है मैं कम्युनिटी पोस्ट डालकर पूछूंगा आप लोगों से, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि किस तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग मुझसे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि हमारी वीडियोस कुछ नेक्स्ट लेवल जा रही है, कुछ वीडियो मतलब 100 के अंदर ही रह रही है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, उसकी वजह से जो सब्सक्राइबर लोग आ रहे हैं वो भी कुछ देर के लिए आ रहे हैं। चलो वापस से एक बार गाइज हमारे पास परारी आ चुकी है, बट हम करें तो करें क्या गाइज इस परारी का, बट हम इस परारी को बाय नहीं करेंगे, ये वाला ऑप्शन भी हमें स्किप मारना होगा। वैसे मैं डॉलर तो बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ, अभी 18 लाख डॉलर मेरे पास पड़े हुए जो कि आरे बैंक है ना गाइज, उसका लोन भी हमें चुकता करना पड़ता है। चलो वापस से एक बार गाइज हम इस बार कार मार्केट नहीं सॉरी ऑक्शन ओपन करेंगे, और गाइज इस बार मुझे 100% यकीन है कि मुझे कोई ना कोई अच्छी सी सुपर कार ज़रूर मिलेगी। तो गाइज स्टार्टिंग से आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो अपनी परारी कार थी वो सारी की सारी कार सेल कर दी, और उसके बावजूद एक और कार बची हुई है, फिर भी गाइज मेरे पास बहुत ज़्यादा डॉलर है, मतलब मैंने 2 मिलियन डॉलर बहुत ईजिली कमा लिए। उसी के साथ साथ गाइज हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छे अच्छे मतलब
$5 मिलियन वन आवर के अंदर अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और $5 मिलियन अगर आप भी कमाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अभी आने वाले हैं। क्रॉस करेंगे हम सारी की सारी चीज़ें, मतलब लाइन क्रॉस कर देंगे। अब सुपर कार तो हमें मिलने से रही, बट गाइस इस गेम के जो डॉलर की सिस्टम है ना वो हिला के रख देंगे भाई। मुझे बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल तो गुस्सा तो नहीं, बट गुस्सा किस चीज़ पर आता है भाई, गुस्सा क्यों करेंगे मैं। चलो देखते, परारी तो हमारे पास एक ही परारी है जो कि कार मार्केट में बहुत मिल जाती है, बट अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। ओके गाइस जंकयार्ड जाके देखता हूँ। जंकयार्ड काफ़ी ज़्यादा अपडेट के बाद बहुत बड़ा हुआ, तो उसके बाद है ना गाइस इस जंकयार्ड में बहुत ज़्यादा मेटल मिलने लगा। तो मेटल देखते ही देख सकते हो कितना ज़्यादा मेटल है। इस मेटल को कलेक्ट करके आप लोग एक मेटल का $20 मिलता है। अभी मैं कम से कम $100 इतना मेटल उठा लेता हूँ जो भी मैंने यहाँ से आना जाना किया है, जैसे कार मार्केट से, कंटेनर से। ये जो जाने आने का खर्चा था $10, वो तो मतलब इसमें ही निकल जाएगा। $100 तो आप ईजिली कमा सकते हो, जैसे मैंने देख सकते हो आप लोगों ने मैंने कमा लिए। अभी देखते हैं ये वाला पूरा का पूरा मेटल इस बंदे को मैं दे दूंगा और ये अपना हैमर ले लेता हूँ। और यहाँ पर आकर आप इस कार्ड को फोड़ सकते हो और बहुत ज़्यादा मेटल क्रिएट कर सकते हो। बट गाइस जो मेटल यहाँ पर गिर रहा है ये पूरा का पूरा साइड में हो जाता है उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा। और जैसे ही आप डे ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेटल यहाँ पर आपको देखने को मिला। कम से कम $200 आप एक वक्त में आके जंक यार्ड से कमा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है और मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी। वैसे हमारा ऑक्शन उधर ओपन भी होता ही होगा, और गाइस हम जब भी ऑक्शन ट्राई कर रहे हैं आई फाउंड अ रियर कार, बट कोई रियर कार मुझे मिलने से रही। जैसे कि मुझे परारी मिल गई थी और हमने इस गेम में मतलब परारी को भी बेच दिया, और ये परारी हम एक रखेंगे और उसके बाद में देखते हैं भाई क्या होता है। तो वैसे ही आप लोग प्यार बनाए रखना यार, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाले। वैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा यार, आप लोगों को किस तरह की वीडियोस पसंद आती है यार, आप लोग बोला करो। मैं तो भैया बहुत कन्फ्यूजन में जी रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि ऑडियंस को किस तरह की वीडियो चाहिए। ओके ये लोग बैठे हुए, ये बहुत साले कमीने लोग हैं, इनको जो कार मिली वो कार ले लेते हैं। साला मैं ही एक लौता बंदा हूँ क्या जो रियर कार ढूंढ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं यार, देखते हैं कार ऑक्शन ओपन होने ही वाला है, और उसके साथ साथ गाइस ये हमारा आखिरी ऑक्शन भी हो सकता है। उसके बाद में हम वापस से ऑक्शन ओपन करेंगे 200 डेज के ऊपर, मतलब 200 दिन जैसे ही कंप्लीट होंगे तब। अबे यार BMW की Series 1 ये वाली कार तो मुझे हमेशा मिल रहे, और उसके साथ साथ गाइस आज हमने $2 मिलियन भी बहुत ईजिली कमा लिए, और उसके साथ साथ मेरे पास बहुत ज़्यादा कार्स भी है और मैं और भी कार कलेक्ट कर सकता हूँ। ओके बूट ले, ये वाली कार हमें नहीं चाहिए, बट क्या करें यार। चलो इस कार को बाय कर लूँ क्या गाइस, इस कार को बाय कर लेता हूँ। चलो देख सकते हो जितनी की बीट लगी उतनी की बीट लगा देता हूँ, और देखते हैं जल्दी जल्दी बीट ओपन होगी तो वैसे ही 3rd नंबर की कार जल्दी ओपन होगी इसकी वजह से हमारा। ओ भाई साहब ये वाली कार बहुत सही है। बाकी ये फोर्ड स्पोर्ट्स कार है, एक बहुत ज़्यादा सही दिखती है और विंटेज कार है। ये कार काफ़ी ज़्यादा मतलब कूल है, मैंने इस कार को सर्च करके भी गूगल करके देखा था और बहुत सही है। अभी इसकी प्राइस 1 लाख के ऊपर जाएगी शायद से। ओके $68,000 जितने डॉलर लगे उतने, देखते क्या होता है। तो हमारे साथ हम तो फिलहाल में इसको बाय नहीं करना चाहता, बट देखते बाय कर लूँ या नहीं कर लूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। बट इस बार मैं इस कार को बाय कर लेता हूँ। और ये कौन सी आई भाई, ये मुस्टैंग GT है क्या? ओके सुप्रा, और ये सुप्रा हमें नहीं चाहिए गाइज। ऑक्शन स्किप। उसके साथ साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय।